पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आगामी होली के त्योहार व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस व अर्धसैनिक बलों का कस्बा जायस में फ्लैग मार्च। क्षेत्राधिकारी तिलोकी राजकुमार सिंह ने नगरवासियों से होली के त्योहार को आपसी सौहार्द व भाईचारे के साथ मनाने को किया। होली के त्योहार व लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क रही। पुलिस व अर्धसैनिक बलों ने जायस नगर के विभिन्न मोहल्लों भीड़भाड़ वाले चौराहे पर फ्लैग मार्च निकालकर विषम परिस्थितियों से निपटने का लोगों को कराया एहसास। फ्लैग मार्च में क्षेत्राधिकारी राजकुमार सिंह, जायस प्रभारी गजेंद्र सिंह, मोहनगंज प्रभारी राजेश कुमार सिंह के अलावा भारी पुलिस बल व अर्धसैनिक बलों के जवान थे। क्षेत्राधिकारी ने कहा, यदि होली व चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी ने अराजकता व माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्राधिकारी राजकुमार सिंह ने भारी पुलिस व अर्धसैनिक बलों के साथ नगर के बहादुरपुर, नौकजी बस अड्डा, चौधराना, सर्कुलर रोड, गोरियाना आदि दर्जनों गली मोहल्ले में फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व पुलिस की हर चौकसी का लोगों को दिलाया एहसास। दो दिन बाद हमारा होली का त्यौहार आयोजित होने वाला है। इस संदर्भ में शांति व्यवस्था कस्बा जायस में शांति व्यवस्था बनी रहे, त्यौहार सफल शांतिपूर्ण सम्पन्न हो, इसके लिए हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है। और मेरी सभी से अपील है, होली के त्यौहार हुड़दंगी का त्यौहार है, आपसी मेलजोल का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, इसको अच्छी तरह से मनाएं, सफल होली खेलें। अगर किसी पर अनजाने में कलर पड़ भी जाता है तो उसका बुरा ना माने, और अगर कोई व्यक्ति गलत अफवाह फैलाता है या ऐसा कोई काम करता है जिससे शहर की शांति व्यवस्था बाधित होती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी सभी से अपील है, होली प्रेम का त्यौहार है, इसको अच्छी तरह से हर्षोल्लास से मनाएं। मैं सभी जायज के सभी शहरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आदर्श आचार संहिता में उसका पालन करते हुए होली को हर्षोल्लास के